जब प्यार परवान चढ़ता है तो प्रेमी जोड़े कोई बंदिशों को नहीं मानते। कुछ ऐसा ही हुआ धनबाद के घागमारा थाना क्षेत्र में, जहां एक गुरु को अपने ही शिष्या से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन दोनों के अलग अलग जाति के होने के कारण इस प्रेम विवाह के लिए परिजनों की इजाजत नहीं मिली। हालांकि प्रेमी के अभिभावक ने अपने बेटे के पसंद को स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रेमिका के परिजन शादी से खफा हैं। बागमारा थाना क्षेत्र के सदरिया डी की रहने वाली मनीषा कुमारी हरियाणा के रहने वाले राहुल चौरसिया से ट्यूशन पढ़ती थी। इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया, जिसके बाद जून 2021 में धनबाद कोर्ट में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि कोर्ट मैरिज के बाद दोनों ने इस बात को घर वालों से छिपा रखा था। रविवार को प्रेमिका अपने प्रेमी के कहने पर घर से भागकर बागमारा थाना पहुंच गए, जहां पहले से प्रेमी अपनी माँ के साथ पहुंचा हुआ था। दोनों ने बागमारा पुलिस को अपना कोर्ट मैरिज का प्रमाण दिखाकर सुरक्षा की गुहार लगाई। इधर पुलिस ने लड़की के परिजनों को इस बात की सूचना दी। लड़की के परिजन ने शादी का विरोध किया, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं हुई। वहीं प्रेमी प्रेमिका ने कहा कि दोनों साथ रहना चाहते हैं। लव मैरिज किए क्या? लड़की के जो गार्जियन है वो इससे राजी है? इससे पहले गार्जियन को खबर दिया जा चुका था इससे पहले, लेकिन वो लोग माने नहीं, तो फिर मजबूरन ऐसा करना पड़ा। आपके गार्जियन मान रहे हैं? अब आगे का क्या आपका? बस लाइन में इससे आगे बढ़ना। थाना से क्या सहयोग चाह रहे हैं? थाना से सहयोग बस की अपना आशीर्वाद बनाए रखे और कुछ वैसा नहीं। सुरक्षा चाह रहे हैं? सुरक्षा की वैसी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पड़ी तो जरूर हम मांगूंगा। कब शादी किए थे? जून में हुआ था। आज आप लोग आए जून में शादी होने का? हिम्मत नहीं जुड़ रहा था ना कि कैसे क्या करें। तो इतना दिन आपकी प्रेमिका कहाँ थे? अपने घर में। तो आज क्या वो घर से यहाँ? अपने खुद से आए हैं। हम लोग सोच रहे कि कोई जब चीज आगे बढ़ना ही है तो फिर क्यों ना उसको सबके सामने किए। जानते हैं आप कर लिए हैं? तो आपके घर वाले राजी हैं? तो आपके जो प्रेमी उनके घर वाले राजी हैं? थाना क्यों आए हैं? तो आपके प्रेमी के घर वाले सब मान गए हैं? अब यहाँ से ससुराल जाइएगा। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।